हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं हमारे जो कस्टमर है, हमसे जो मशीन परचेस किया हुआ है और जिन्होंने ऑर्डर हमको दिया हुआ है, उनके लिए स्पेशली वीडियो बना रहे हैं कि सोडा में से कैसे उसको सेटिंग करना है, कैसे ऑपरेट करना है और इसका फ्लेवर कैसे बनाना है, इसका फ्लेवर का रेसिपी कैसे बनाना है, उसकी वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखिए, जिससे आपको डिटेल मिले कि फ्लेवर आपको कैसे बनाना है, इसको कौन सी रेसिपी से इसको फ्लेवर बनाना है, कैसे इसके अंदर फ्लेवर लगाना है, मशीन में कैसे डालना है, कैसे चलाना है उसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले मैं नॉर्मल मशीन की डिटेल दे देता हूँ आपको कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। सबसे पहले ये मशीन अपनी DA 200 मॉडल है, जो डॉल्फिन कंपनी की मिनी प्लांट है, जो एक घंटे में 250 बोतल का प्रोडक्शन देती है दोस्तों, और इनबिल्ट वाटर टैंक वाली, इसके अंदर इनबिल्ट टैंक लगाया हुआ है मशीन के अंदर, आपको अलग से कोई टैंक लगाना नहीं है। सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, एक सोडा वाला फ्लेवर है, एक सिरप वाला फ्लेवर है, बीच में हमने मैनुअल हेड दिया हुआ है, मैनुअल हेड है, इसके अंदर से आप मैंगो माजा फ्रूटी जूस निकाल सकते हो। और यहाँ पे इनबिल्ट वाटर टैंक आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको टैंक दिखाता हूँ दोस्तों, आबजुली थोड़ा ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका वाटर टैंक है, इसके अंदर हमने पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, इसके अंदर टैंक में ये पानी, इसके अंदर ऑलरेडी ये टैंक ओपन होता है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पे 20 लीटर का आरओ का बाउल आप लगा सकते हो, 60 लीटर का टैंक है, 20 लीटर का आप आरओ का बाउल लगा देना है दोस्तों, इसलिए वो स्टोर टैंक हो चुका है आपका, ठीक है। अभी ये मशीन के अंदर से प्लेन सोडा भी निकल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, अभी हम आपको प्लेन सोडा निकाल के दिखाएंगे दोस्तों, इसमें ये प्लेन सोडा निकल रहा है, इसके अंदर ये प्लेन सोडा यहाँ तक भरा हुआ है दोस्तों, एक भर चुका है, आप देख सकते हो पूरा बबल्स के साथ में, आप देखिए क्वालिटी इसका, पूरा बबल्स आ रहा है क्वालिटी के अंदर। अभी यहाँ पे इसको फ्लेवर आपको भरना है, ये फ्लेवर का है। तो दोस्तों, इसका फ्लेवर बनाने का हम आपको रेसिपी बताएंगे, इसको फ्लेवर कैसे बनाना है। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको ये हिसाब का एक प्राइमस लेना पड़ेगा, चूल्हा लेना पड़ेगा हिसाब का, एक देख सकते हैं पूरा प्राइमस है, ऐसा प्राइमस लेना पड़ेगा, और ये हिसाब का गैस का बोतल लेना पड़ेगा, ये गैस का LPG बोतल है, LPG, और ये हिसाब का एल्यूमिनियम का बर्तन लेना है आपको, ये टैंक रहता है, इस टाइप का एल्यूमिनियम का बर्तन लेना है। सबसे पहले हम एक बर्तन निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको एक कोला का और एक ऑरेंज का दो फ्लेवर इसमें बना के दिखाएंगे कैसे इसको बनाना है। ये सबसे पहले बर्तन लेना है आपको, और रेसिपी के हिसाब से 6 लीटर पानी डालना है इसके अंदर, आपको 6 लीटर पानी डालना है रेसिपी के हिसाब से। ये 500 ml का बाउल है, 500 ml आधे लीटर का बाउल है, ऐसे हम 12 पीस डालेंगे इसके अंदर, टोटल 6 लीटर पानी डालेंगे इसके अंदर, काउंट करके डालना है दोस्तों पानी को इसको, ये देखिए ये 500 ml है, और हमने चीनी भी डाल के रखा हुआ है दोस्तों, रेसिपी के हिसाब से चीनी डालना है अपने को, ये 5 किलो चीनी है, हमने वेट करके रखा हुआ है बैग को, ये 5 किलो शुगर है, अब देख सकते हो, एक हमने अभी कोला का एक बना रहे हैं, एक ऑरेंज का बना रहे हैं, कोला मतलब कोका कोला जो मार्केट में मिल रहा है ब्रांडेड कंपनी का, वो हिसाब का फ्लेवर बना रहे हैं हम कोला का, दूसरा एक ऑरेंज है जो मार्केट में फेंटा है, मरिंडा है, वो हिसाब का जो फ्लेवर मिलता है, वो हिसाब का ऑरेंज का एक फ्लेवर बनाएंगे, आपके सामने दिखाएंगे दोस्तों बना के इसको। इसका जो फ्लेवर आता है उसका भी रेसिपी फ्लेवर के पैकेट के पीछे लिखा ही रहता है कि कैसे बनाना है, लेकिन हम आपको बोटलिंग का रेसिपी थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि इसको थोड़ा उबाल के डालना पड़ता है दोस्तों। अभी इसके अंदर है 5 किलो चीनी का पैकेट है, हम डाल देंगे इसके अंदर, अभी हमने इसमें पहले पानी डाला हुआ है, देखा पानी है, आप देख सकते हैं 6 लीटर पानी डाला, इसके अंदर हम 5 किलो चीनी डालेंगे दोस्तों, ये 5 किलो चीनी हमने डाल दिया है। अभी हम इसको प्राइमस को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, लाइटर, अभी ये प्राइमस हम स्टार्ट करेंगे इसका, ये प्राइमस हमने दोस्तों स्टार्ट कर चुक दिया है दोस्तों इसका, आप देख सकते हैं अभी इसको
जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आता है तब तक इसको उकालना है अराउंडली, जैसा आपका गैस का कैपेसिटी 15 मिनट 20 मिनट तक आप उसको उबाल सकते हैं दोस्तों। और ये हिसाब का झारा रहता है, अपने को झारा इसके अंदर है, ये हिसाब का झारा रहता है, इसको झारे से इसको मूवमेंट करते रहना है आपको, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये हिसाब से इसको हिलाते रहना है जिसके हिसाब से अंदर जो नीचे शुगर पड़ा है अपना चीनी है वो फट ना जावे, अंदर चिपक ना जावे, उसके हिसाब से आपको मूवमेंट करते रहना है, इसको चलाते रहना है जब तक वो पिघल नहीं जाता है, उसका चाशनी बन नहीं जाता है तब तक इसको हिलाते रहना है आपको इसको। अभी दोस्तों इसमें चाशनी पक चुका है, आप देख सकते हैं पूरा धुआं निकल रहा है, आप देखिए ये पूरा हमने जो शुगर और चीनी डाला था वो अच्छे से मिक्स भी हो चुका है और पूरा उकल रहा है, आप देख सकते हैं पूरा, ये देखिए अभी ये रेडी हो चुका है। अभी हम इसको निकाल देंगे दोस्तों, ये हमने जो कोला का आपको बताया था वो रेसिपी के हिसाब से बनाया हुआ है, रखिए नीचे। अभी इसमें अंदर हम फ्लेवर है इसको नॉर्मल टेम्परेचर 4-5 घंटा वेट करना है आपको इसके अंदर, 4-5 घंटे तक उसको नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है उसके बाद फ्लेवर का रेसिपी हम आपको बताएंगे। उतनी देर में हम थोड़ा ये दूसरा है वो भी बना लेते हैं उसके अंदर, दूसरा हमारा जो ऑरेंज का फ्लेवर है उसका भी रेसिपी हम आपको बता देते हैं। उसमें भी आपको 6 लीटर पानी डालना है, 6 लीटर हम 6 लीटर पानी डालेंगे उसके अंदर। आरओ का पानी हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर, ये हो चुका है 6 लीटर पानी इसके अंदर। अभी इसके अंदर जो रेसिपी के हिसाब से जो चीनी है 6 केजी चीनी, 6 किलो चीनी है, 6 केजी ये चीनी डालेंगे इसके अंदर दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये 6 किलो चीनी डाल के आपको ऐसे हिलाना है इसको, अगर आप हिलाएंगे नहीं इसको तो नीचे उसका चीनी चिपक जाएगा, इसलिए थोड़ी देर हिलाना है आपको, 5 मिनट तक ही हिलाना है, चीनी पिघल जाना है इसलिए उसको छोड़ देना है उबलने के लिए। ये देख सकते हैं आप पूरा हिल रहा है इसके अंदर, जब तक ये चीनी पिघलता नहीं है तब तक आपको घोलते रहना है इसको। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप गर्म पानी से इसको चीनी उबालेंगे तो इसका वैलिडिटी आपको बेस्ट बिफोर 100 डेज का मिलेगा, 100 दिन तक इसको कुछ नहीं होगा। यहाँ रखो, ये जीरा मसाला का हमने पहले चीनी को गर्म करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये भी नॉर्मल टेम्परेचर हो चुका है इसका, नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है, ये ठंडा पड़ चुका है इसके अंदर। अल्लाह वाले ये थोड़ा पिघलता है, उतनी देर में मैं आपको इसका थोड़ा रेसिपी बना के दिखाता हूँ उसको, जीरा मसाला का फ्लेवर बना के दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये इसका फ्लेवर मिक्सचर मशीन जो हम मशीन के साथ में देते हैं दोस्तों, ये फ्लेवर मिक्सचर मशीन है इसका, ये मशीन के साथ में हम देते हैं। अभी जो हमने जीरा मसाला के लिए 3.5 किलो चीनी में 6 लीटर पानी डाल के एक बाउल रेडी किया हुआ है दोस्तों, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे मिक्सिंग के लिए, आप देख सकते हैं पूरा। आप देख सकते हैं पूरा हमने डाल दिया इसमें। अभी इसमें हमने लाइन दे दिया, इसमें ये मिक्सचर देने का रीजन है कि इसका जो पाउडर आप डालेंगे मिक्स इसको वो अच्छे से घुल जाएगा इसके अंदर। अभी हमें मिक्सर आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है, देखिए आप ये पूरा चाशनी है जो हमने पानी और चीनी को उबाल के डाला हुआ है ये घूम रहा है अभी। अभी इसके अंदर सबसे पहले हम पाउडर डालेंगे इसका, जीरा मसाला का पाउडर है दोस्तों, ये रेसिपी के हिसाब से इसका पाउडर हम डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है, आप देख सकते हो बेस्ट क्वालिटी का जीरा मसाला है ये देखिए। आप देख सकते हैं पूरा। अभी हम इसका बटन स्टार्ट करेंगे इसलिए अच्छे से घुल जाएगा ये देखिए।
जो पाउडर का जो अर्क है वो अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, ये चाशनी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जो पाउडर में अर्क है, इसमें मसाले में जो अर्क डाला हुआ है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद हम इसका ये लिक्विड है, लिक्विड डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये लिक्विड है पूरा, ये देख सकते हैं पूरा। ये लिक्विड हम भी हम इसमें डाल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का लिक्विड है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा। ये डाल दिया हमने लिक्विड इसमें। इसको आप जो भी मूवमेंट करना है, जो भी बाउल है, उस हिसाब से अप डाउन मशीन को कर सकते हो। जितना ऊपर करना है, जितना नीचे करना है, वो पूरा अच्छे से आप इसको बेटरली कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये भी अच्छे से मिक्स होने देना है आपको, 5 से 7 मिनट तक घूमने देना है, जिससे पानी और चाशनी जो हमने मिक्स किया है उसके अंदर अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अपना जो पाउडर है वो वेस्टेज नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। वो चमचे से हाथ से घुमाने से क्या होता है, वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है बेटर तरीके से। और ये मशीन देने का रीजन वही है कि बेटर तरीके से अंदर मिक्स हो जाए दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा चल रहा है अभी इसके अंदर। अभी वो चाशनी इसमें से शुगर पिघल चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा चीनी पिघल चुकी है इसमें, ये देखिए। अभी इसको थोड़ा हीट होने देना है अपने को, उबाल आवे वहाँ तक हीट होने देना है, फिर निकाल देना है अपने को। उबाला जाएगा फिर निकाल देना है। अभी ये मिक्स अच्छे से हो चुका है, ये बाउल ले लो वहाँ पे। अभी हम इसको बंद कर देंगे और इस टाइप के बाउल में हम इसको गाल के फिल करना है। आपको ये गन्नी और झाली लेना है दोनों, इसको अच्छे से गाल के फिल करना है इसके अंदर, ठीक है। ये ऐसे फोल्डिंग रहता है, निकल जाएगा, ये निकल जाएगा ऐसे। अभी हम इसके अंदर फिल करेंगे टैंक के अंदर, आप देख सकते हैं पूरा। ये जीरा मसाला का फ्लेवर हो रहा है फिल इसके अंदर, ये देखिए पूरा अच्छे से छान के गाल के डाल देना है अपने को इसके अंदर। ये देखिए ये पूरा फिल हो चुका है इसके अंदर। ये आपका फ्लेवर हो चुका है दोस्तों तैयार। अभी ये फ्लेवर है इसके अंदर से दोस्तों, अभी हमारे हमने आपके सामने जो फ्लेवर बनाया जीरा मसाला का, इसके अंदर से आपको 240 से 250 200 ml का बोतल भर सकते हैं आप। ये जो 200 का ml का बोतल है वो 240 से 250 बोतल इतना रेसिपी के अंदर बनेगा। आपको अगर रोजाना ये मशीन का कैपेसिटी 2500, एक घंटे में 250 बोतल, 10 घंटे में 2500 बोतल का है, तो एक साथ आपको 4 सेट 5 सेट 6 सेट वन टाइम में बना देना, एक ही बार में दोस्तों उतना आपको बना देना है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसको मशीन के अंदर लाइनिंग में थोड़ा लेंगे, इसको रख दो मैं, ये बाउल है, अभी यहाँ पे मशीन में लगाएंगे इसको। ये जो पानी हमने पहले भरा है इसके अंदर, अभी ये नोजर है सीधा ये फ्लेवर के अंदर डाल देंगे, आप देख सकते हैं पूरा। ये देखिए पूरा नोजर इसके अंदर चला गया, ये बाउल को रख देना है अंदर आपको। अभी हम इसके अंदर मशीन के अंदर से लाइन में से जीरा मसाला निकालेंगे दोस्तों। ये लाइनें आपने जितना यहाँ पे सेट करना है उतना आप निकाल पाएंगे। अभी पहले लाइन में है इसलिए पानी आ रहा है इसमें, देखिए पहले पानी का बाउल था इसलिए पहले पानी आ रहा है, अब देखिए अभी जीरा मसाला आना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि अभी हमने जीरा मसाला लगाया हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा, देखिए अभी इसके अंदर पानी आ रहा है, अभी धीरे धीरे लाइन में जीरा मसाला आ जाएगा, आप देख सकते हैं पूरा। देखो जीरा मसाला स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए ये जीरा मसाला आना स्टार्ट हो चुका है, अब देखिए ठंडा होके पूरा चील्ड होके जीरा मसाला आना स्टार्ट हो चुका है, देखिए
जीरा मसाला स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सेटिंग करके आपको जीरा मसाला का फ्लेवर बना के दिखाएंगे। इसमें से पहले हम सेटिंग करेंगे इसका। पहले सॉल्ट में कितना फ्लेवर भर रहा है वो देख रहे हैं हम इसके अंदर। ये सोडा इतना भरा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अभी उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो जीरा मसाला भरेगा इसमें से। ये जीरा मसाला भर रहा है। यहाँ से कैपिंग है इसका, ये कैपिंग लगा देना है आपको। ये कैप हो चुका है आपका। ये आपका दोस्तों जीरा मसाला हो गया रेडी, इस रेडी फॉर ड्रिंक, पीने के लिए तैयार है दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा बेस्ट क्वालिटी का जीरा मसाला है। वही हिसाब से हम आपको दूसरा बोतल भी भर के बताएंगे दोस्तों। नवी बोतल लाओ तो मैं देता हूँ। जीरा मसाला का न्यू बोतल आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जीरा मसाला भरना है अपने को। ये सोडा है, अभी थोड़ा इसमें से क्वांटिटी हम कम कर देंगे सोडा का, और सिरप थोड़ा बढ़ा देंगे इसके अंदर। पहले सोडा फिल हुआ फिर सिरप आएगा इसमें। कैपिंग हो चुका है, ये रेडी हो चुका है जीरा मसाला आपका कंप्लीट। बेस्ट क्वालिटी का जीरा मसाला तैयार है आपका, जीरा फ्लेवर डॉल्फिन कंपनी का। देखिए वही हिसाब से हम दूसरा बोतल भी आपको भर के बताएंगे। जीरा मसाला कंप्लीट, ये सोडा फिल हुआ है, जीरा आएगा। ये कंप्लीट हो चुका है। वही हिसाब से हर एक फ्लेवर का रेसिपी कैसे बनाना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है। अभी दूसरा भी फ्लेवर हमारा बन रहा है इसके अंदर। अब जो अभी ये दूसरा फ्लेवर हमारा बन रहा है, फिर उसके बाद तीसरा हम रेडबुल का जो आर बुल करके एनर्जी ड्रिंक आता है वो हिसाब का भी टेस्ट का फ्लेवर हम बनाएंगे इसके अंदर दोस्तों। तो उसका भी हम आपको भी नेक्स्ट रेसिपी देने वाले हैं। एक साथ आपको तीन चार फ्लेवर का प्रोडक्शन करके बता रहे हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। अभी हमने जो फ्लेवर आपको बताया था ऑरेंज का, ये अभी अच्छे से उबल चुका है, आप देख सकते हैं पूरा। ये देखिए पूरा गर्म हो चुका है, धुएं निकल रहे हैं, देख सकते हैं आप पूरा। अभी हम इसको निकाल लेंगे और इसको ठारने के लिए रख देंगे इसको। अभी यहाँ पे रख देंगे इसको ठारने के लिए थोड़ा। लाओ तो लिडोल, अब तो डोल मरा की दिया रही होल। अभी हम तीसरा फ्लेवर एक बना रहे हैं आरबुल करके, रेड बुल जैसा रहता है फ्लेवर ऐसा आरबुल बना रहे हैं। तो उसके लिए ओली पाछी जवाब दे, आरबुल का रेसिपी एक बना रहे हैं। जो रेडबुल एनर्जी ड्रिंक का पीते होंगे वो इस सब का एक आरबुल का भी हम डेमो ले रहे हैं इसके अंदर। पानी ना ना वांदो नहीं, तू चालू कर लो लीना उसे लिए। अभी इसमें 5 लीटर पानी है और 3.5 किलो चीनी है। ये पानी डालेंगे हम 5 लीटर इसमें। दो
बीच में 5 लीटर पानी डाल दिया हमने और 3.5 किलो चीनी लाए इसके लिए, चीनी डालेंगे इसके अंदर 3.5 किलो। आप देख सकते हैं चीनी है पूरा 3.5 किलो। इसको अच्छे से आपको हिलाते रहना है थोड़ी देर, जब तक चीनी पिघलती नहीं है तब तक हिलाते रहना है इसको। और बाकी का जो हमने फ्लेवर बनाया है वो थोड़ी देर उबलने के बाद, अच्छे से ठंडा होने के बाद, नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद, इसके अंदर भी हम एक कोला का है जो हमने स्टिकर भी मारा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये कोला है, कोला का स्टिकर मारा है यहाँ पे, ये कोला का है, ये ऑरेंज का है और ये तीसरा है अरबुल का है, और एक जीरा मसाला जो हमने आपको मशीन के अंदर लगा के बताया, अभी इसका अभी हम आपको फ्लेवर बना के बताएंगे कैसे इसको फ्लेवर बनाना है इसको, ठीक है। अभी ये रेड बुल का जो हमने आरबुल करके जो ड्रिंक है उसका हमने फ्लेवर बनाया, ये अभी चाशनी रेडी हो चुका है इसका, रॉ मटेरियल आप देख सकते हैं पूरा, ये पूरा अच्छे से उबाल आ चुका है, इसमें धुएं निकल रहे हैं दोस्तों, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको भी हम नॉर्मल करने के लिए रख देंगे साइड में, रखी दियो ने, अभी इसको साइड में यहाँ पे रख देंगे नॉर्मल उसको चील करने के लिए। भाई वही हिसाब से दोस्तों अभी हम इसमें आपको फ्लेवर बना के मिक्स करके दिखाएंगे, जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है 4-5 घंटे स्टोर करके, जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर होगा इसमें एक में कोला है, एक में ऑरेंज है, एक में आरबुल करके जो डाला है उसको हम आपको फ्लेवर, जैसे भी जीरा मसाला मिक्स किया वही हिसाब से आपको मिक्स करके बताएंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। अभी हमने जो चाशनी बनाने रखा था अभी वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको तीनों फ्लेवर बना के बताएंगे कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले यहाँ पे जो आरबुल का फ्लेवर है वो बनाएंगे उसके अंदर, या आरबुल का जो चाशनी है उसके अंदर डालेंगे मिक्सर के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चाशनी डाला है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप पूरा ये चाशनी डाल दिया है, कैमरा रोली ने ऊँचोली ने बजू यहाँ, अभी उसका आरबुल का जो फ्लेवर है ये आप देख सकते हैं पूरा आरबुल का फ्लेवर है, आरबुल सबसे पहले इसका पाउडर डालेंगे, ये पाउडर डाला हमने इसके अंदर, पाउडर थोड़ा मिक्स करने के लिए मशीन चालू कर देंगे इसका, ये पूरा पाउडर मिक्स हो रहा है आप देख सकते हैं पूरा इसके अंदर। उसके बाद इसका जो लिक्विड है लिक्विड डालेंगे एसेंस है वो, आप देख सकते हैं पूरा लिक्विड डाल दिया हमने इसमें, इसको थोड़ी देर अच्छे से मिक्स होने देना है, 2 से 3 मिनट तक मिक्स होने देना है इसको आपको, मिक्स हो चुका है अच्छे से। अभी हम इसको, इसको जो फ्लेवर है इसको गाल के पूरा छान के इसके अंदर भर देंगे, अभी इसको छान के भर देंगे इसके अंदर, ये अपना आरबुल का फ्लेवर हो चुका है तैयार, रेडी हो चुका है बनके।
अभी वही हिसाब से हम दूसरा हमारा जो ऑरेंज का फ्लेवर है और कोला का फ्लेवर है वो भी बनाएंगे इसके अंदर, आपके सामने ही बना के दिखाएंगे उसको, ऑरेंज और कोला का दोनों फ्लेवर। अभी इसमें हम कोला का फ्लेवर बनाएंगे, जो कोला का फ्लेवर है वो हमने चाशनी बना के रखा है वो बनाएंगे, कोला नू ले लें, ये कोला की चाशनी है, इसको भी बनाएंगे हम। ये जो हमने चीनी और पानी को उकाल के रखा हुआ है, जो चाशनी बना के रखा है इसके अंदर डाल दिया हमने। उसके बाद ये कोला का एसेंस है, ये पाउडर रहता है कोला का, ये कोला का पाउडर डालेंगे उसमें। ये कोला का पाउडर डाल दिया हमने इसमें, इसको मशीन को स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद इसका जो लिक्विड रहता है लिक्विड डालेंगे इसमें। लिक्विड डाल दिया कोला काम ने इसमें। इसको भी हम 2 से 4 मिनट तक घोलने देंगे तो अच्छे से प्रॉपरली उसके अंदर उसका अर्क आ जाए, उसके अंदर पानी और वाटर के अंदर शुगर के अंदर उसका जो कोला का जो टेस्ट है, जो पाउडर का जो एसेंस है टेस्ट है, वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा फ्लेवर है ऑरेंज का है, और हमने एक मशीन भी एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे टेस्टिंग होने के लिए, आप देख सकते हैं पूरा ये पूरा मशीन भी एक साथ हम दो मशीन आपको ऑपरेट करके भी बताएंगे, क्योंकि ये मशीन हमारा कस्टमर का डिलीवरी के लिए जा रहा है। हमने इसमें पानी डाल के पूरा चिलिंग करके जीरो टेम्परेचर दिखा रहा है, देखो इसमें ये जीरो के टेम्परेचर पे आ चुका है फिलहाल मशीन, और ये मशीन है इसका 1 का टेम्परेचर आप देख सकते हैं। ये मशीन भी हमने टेस्टिंग किया, कस्टमर ने जो बताया था नाम हमारे को बूम सोडा बोतल फिलिंग प्लांट, जो कस्टमर ने हमको फोटो डालने के लिए बोला है वो सब फोटो भी हमने डाल दिया आप देख सकते हैं पूरा। तो ये हम डेमो ले रहे हैं पूरा हमारी कंपनी में, पूरा 500,000 बोतल का प्रोडक्शन निकाल के फिर यहाँ से निकाल रहे हैं, तो आपके लिए भी हम वीडियो पूरा ऑपरेट करके सर्विंग बना रहे हैं, और जो हम सैंपल बना रहे हैं ये फ्लेवर बना रहे हैं, हम जो आपके सामने 3-4 हमने फ्लेवर बनाए वो हमारे कस्टमर जो रिक्वायरमेंट रहते हैं इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए हम सैंपल तैयार कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको भी अगर इस तरीके का सैंपल चाहिए तो हमको बताना, हम आपके डोर डिलीवरी तक सैंपल इसको भिजवा देंगे। अभी ये रेडी हो चुका है, हम इसको बाउल में भर लेंगे छान के पूरा अच्छे से। स्टिक रहता है, स्टिक को आपको ऐसे निकाल देना है, ये निकल गया स्टिक इसका, स्टिक को भी निकाल देना है आपको, ये निकल गया है। अभी इसके अंदर हम छान के भर देंगे इसको, अब देख सकते हैं पूरा। ये कोला का फ्लेवर है, बेस्ट क्वालिटी का कोला, जो आप बाजार में कोका कोला ड्रिंक कर रहे हो वो इस सब का फ्लेवर है पूरा। ये 1 टाइम सेट बनाने से आपको ये जो हमने फ्लेवर बनाया है इसके अंदर, इसको बनाने का आपको एक बार बनाने से 240 से 250 बोतल का प्रोडक्शन आएगा इसके अंदर। आप ये एक सेट बनाने से 240 से 250 आप बोतल निकाल पाएंगे इसके अंदर। अभी हम इसको जाने देंगे यहाँ पे। अभी कोला का तैयार हो चुका है, अभी हम ऑरेंज का फ्लेवर बनाएंगे इसमें, ठीक है। ऑरेंज डालिए इसके अंदर, ये ऑरेंज का जो चाशनी हमने बनाया था वो डाल रहे हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा। लिक्विड डाल दिया है, अभी इसको भी हम थोड़ा 2 से 5 मिनट तक अच्छे से घुलने देंगे इसको दोस्तों। अगर आपको यही चीज़ अगर सेपरेट पाउच में फिल करना है, सेपरेट पाउच जो रहता है अपना 50 ml 100 ml 150 ml का, तो यही चीज़ आप इसमें आरबुल है, कोला है, फिर जीरा मसाला है, ऑरेंज है, जो हमने आपको अभी रेसिपी सब बताई है दोस्तों, तो यही चीज़ आप सेपरेट पाउच है, जूस फिल करना है तो जूस में भी कर सकते हो। ये आपने जो मटेरियल बनाया इसके अंदर आपको 40 लीटर और पानी ऐड कर देना है,
40 लीटर और 10 से 12 लीटर ये आइटम हुआ इसका टोटल 52 लीटर प्रोडक्शन आएगा उसके अंदर। अगर सेपरेट पाउच गैस गैस बिना वाला जूस ओनली जूस आइटम अगर आपको फिल करना है तो यही चीज़ चलेगा, रेसिपी सेम रहेगा, ये रेसिपी आप बना सकते हो उसके अंदर। कोई कस्टमर जूस भरना है जो गैस बिना की आइटम भरनी है या सेपरेट पाउच मशीन हमारे से खरीद रहा है तो उसका भी रेसिपी सही यम ही रहता है, सही रहता है। लेकिन इसमें सोडा मशीन में क्या रहता है, ये सील लिक्विड आपको सोडा और लिक्विड अलग अलग भरना रहता है। अगर सेपरेट में बनाते हो तो उसमें ऊपर से पहले ही पानी आपको मिक्स कर देना है, 50-50 लीटर सब में पानी आपको ऐड कर देना है अलग से, ठीक है। 40 लीटर 45 50 लीटर जो भी आपका स्वीटनेस डिपेंड करता है वो हिसाब से आपको पानी ऐड कर देना है इसके अंदर। ये ऑरेंज का फ्लेवर अच्छे से घुल रहा है, देख सकते हैं पूरा यहाँ पे, और पाउडर हमने जो डाला है वो अच्छे से पूरा मिक्स हो रहा है, प्रॉपरली उसको मिक्सिंग मिल रहा है इसके अंदर दोस्तों। इसका जो स्टिक रहता है वो स्टिक लॉकेट स्टिक रहता है, यहाँ से पकड़ के आपको नीचे कर देना है, निकल गया। ये निकल गया इसका स्टिक, अभी इसमें हम बाउल में डालेंगे इसको। अब देख सकते हैं ऑरेंज का फ्लेवर डाल रहे हैं इसके अंदर, फील हो रहा है। ये हो चुका आपका ऑरेंज रेडी। इसके अंदर से भी 240 से 250 बोतल का प्रोडक्शन आप ले सकते हो, 200 ml का, 200 ml का लाइव डेवलप। ये अपना ड्रिंक हो चुका है तैयार। अभी दोस्तों हम आपको मशीन के अंदर ये तीनों तीन आपका फ्लेवर हो चुका है तैयार, एक आरबुल है, एक कोला है, एक ऑरेंज है। अभी हम आपको इसमें से आरबुल का प्रोडक्शन निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। आरबुल ले लो पाछे, इस टाइप का बाउल यहाँ पे रखना है और मशीन का नोजर यहाँ पे लगा देना है। अभी हम पानी निकाल रहे हैं इसके अंदर से, पानी से वॉश किया था इसको, आप देख सकते हैं अभी पानी निकल रहा है इसमें से, ये पानी आ रहा है। अभी उसका लाइन उसमें डाल देंगे आरबुल में, ये आरबुल में लगा दिया लाइन उसका, बोतल अब जो आरबुल ली। अभी इसमें से पहले पानी लाइन में जितना है उतना निकलेगा, कल हमने आपको जीरा मसाला निकाल के बताया था, अभी हम आपको आरबुल निकाल के बताएंगे। इसमें आरबुल का इम्प्टी बोतल है, वॉश किया हुआ धोया हुआ, ये आप देख सकते हैं स्टिकर लगाया हुआ बोतल है आरबुल का, ये देखिए आरबुल। अभी हम इसमें से पहले थोड़ा लाइन में जो पानी पड़ा है वो निकाल लेंगे इसमें से, अभी इसमें से पानी निकल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी धीरे धीरे लाइन में आएगा, इसलिए आरबुल का फ्लेवर आ जाएगा लाइन में। ये स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आरबुल का फ्लेवर आना है इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे कलर इसका देखिए आप। आरबुल का फ्लेवर आना स्टार्ट हो चुका है, ये स्टिकर बिना वाली बोतल में आपको दिखाएंगे एक बार। ये आप देख सकते हैं पूरा आरबुल का फ्लेवर आना चालू हो चुका है इसमें से। अभी हम इसमें से आपको सोडा फिल करके बताएंगे दोस्तों एक बार। इसका हम सेटिंग बनाएंगे 160 प्लस 14, 160 ml सोडा आना चाहिए, 40 ml सिरप आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये पहले सोडा भरा इसके अंदर से, अभी इसमें से भरेगा सिरप। ढक्कन बेक कर, ये देखिए आरबुल का रेडी हो चुका है। हम थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाएंगे इसमें, रख यहाँ ऊपर।
आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे आरबुल का फ्लेवर भर रहा है इसमें, देखिए। तो हमने जितना सेटिंग किया है क्वांटिटी वो हिसाब से गिर रहा है इसके अंदर। देखिए दोस्तों, ये आपका ड्रिंक तैयार हो चुका है, आरबुल एनर्जी ड्रिंक, ये ड्रिंक तैयार हो चुका है, ये कंप्लीट ड्रिंक आपका रेडी हो चुका है पीने के लिए तैयार। ये मार्केट में इसमें डेट लगा के सेलिंग के लिए आप छोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरा, और यहाँ से सेटिंग आपको कुछ भी करना है तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो। मैं आपको एम्प्टी बोतल, खाली बोतल में आपको बताता हूँ, स्टिकर होकर नहीं बोतल आप क्वांटिटी अप डाउन करना है आपको, तो उसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। थोड़ा और आओ, यहाँ पे तीन नंबर है, अभी थ्री नंबर से लेवल से सोडा भर रहा है, इसलिए थ्री नंबर से कितना सोडा भर रहा है आप देख सकते हैं, यहां तक सोडा भर रहा है थ्री नंबर से। अभी हम उसको थ्री की जगह टू नंबर बना देंगे, टू नंबर देख लो, ये थ्री नंबर किया, इसके अभी टू नंबर किया, इसलिए सोडा का क्वांटिटी कम भरेगा उसके अंदर। अभी ये भरते आपके सामने, ये देखिए, ये टू नंबर है, ये थ्री और टू का डिफरेंट देखिए आप, ये कम ज्यादा हो चुका है देखिए दोस्तों इसमें। तो ये हिसाब से आप सोडा को भी सेट कर सकते हैं और सिरप को भी सेट करना है कि कितनी मात्रा में आपको टेस्ट करना है, सेट करना है, तो हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो उसके अंदर। तो दोस्तों, आपको इसमें हमने पूरी वीडियो में जानकारी दी है कि आपको इजीली आप अपनी मशीन को चला सके, ऑपरेट कर सके, कैसे इसको सेट करना है, कैसे चलाना है, हर एक डिटेल, फ्लेवर कैसे बनाना है, उसकी रेसिपी कैसे बनाना है, हर एक जानकारी वीडियो के हमने अंदर आपको बताई है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, एप इससे लिए आपके लिए प्राइवेट वीडियो हम रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।